सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम् नमः। नमः भद्रेति भद्रायै नियतः प्रणतः स्मतां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गणेश अम्बा सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए स्थानेश्वर महादेव की, संगमेश्वर महादेव की, खटवांगेश्वर महादेव की, रंगेश्वर महादेव की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शिव शंभो। श्री हरि परमानंदम उपदेश रमे रामेश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमामि। परम कारुणिक भगवान भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः शान्तहस्तं ईश्वरं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वप्रथम सिद्ध बाबा रंगपुर जी महाराज के चरणों में अनंत ओम नमो नारायण। उनके साथ साथ मंदिर में विराजमान सभी ठाकुरों को, श्री विग्रहों को, भगवान जी को, जितने भी रूपों में यहाँ विराजते हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबके श्रद्धा संस्कारों को नमन करते हुए वंदन अभिनंदन करता हूँ। समग्र श्रावण मास के अंतर्गत जो जो उपक्रम हो रहे हैं, प्रातःकाल भगवान शिव की कृपा से शिव का अभिषेक हो जाता है।
सायकाल भगवान गुणानुवाद भगवान महिमा आप सभी मनोरथी श्रवणीय हैं। तो ये भगवान शिव की परम पावन पवित्र कथा सुनने के लिए आए हुए सभी श्रद्धालु श्रोता गण को सबके हृदय में विराजमान मां गौरी भगवान शिव को मैं सादर प्रणाम करता हूं। एक ही तत्व के पर्यायवाची नाम हैं। एक चीज के कई नाम होते हैं पर्यायवाची। तो उन उन के हिसाब से अर्थ एक ही निकलता है। सुनने में भिन्न लगता है, मालूम पड़ता है कि अलग है बात, कोई ये बात अलग होगी, लेकिन बात एक ही है। जैसे हमने किसी को बोला भैया, जैसे कृष्ण ओम नमः शिवाय राम राम जी, सुनने में तो ऐसा लगा तीन बातें बोल दी, बात तीन नहीं है, एक ही बात को तीन बार बोला है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने तीन बातें नहीं बोली, एक ही बात बोली है तीन बार, राम राम जी, जय श्री कृष्ण जी, ओम नमः शिवाय जी, जय माता की, बात ये एक ही बात है। ये बोलने का लहजा अलग है, बात में अंतर नहीं है, बात होती है। थोड़े समझदार बनो तो समझ में आएगी बात। जिद्दी बनोगे तो जिद्दी बच्चे नहीं मानते। जिद्दी बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, तो उसको बोलेंगे तू किसका लड़का है, तो जिद में कहेगा मैं तो मम्मी का, और फिर पापा का नहीं, नहीं मम्मी का ही नहीं। तो ये वही बात है, भगवान शिव भगवान कृष्ण ये इनमें इतना ही अंतर है बस। सोच लो एक तो माता एक पिता, माता और पिता में कोई अंतर नहीं, वो दोनों एक ही बात है। माता पिता कैसे, उनका इतना गहरा संबंध होता है माता पिता का, बच्चे के लिए वो दोनों ही भला चाहते हैं, और बच्चे के लिए दो रूप हैं वो, लेकिन दोनों भगवान है बच्चे के लिए। तो संसार की दृष्टि से भगवान होते हैं माता पिता, समझ आती है, तो बहुत दिन लग जाते हैं समझ आते आते। जिन दिनों में माता पिता कहते हैं बेटे हमारी बात मानो, उन दिनों में बच्चे कहते हैं हम तो जानते हैं, खुद ही जानते हैं, मानने की जरूरत नहीं है, हम बड़े हो गए, अब देखो पास में खड़े हो गए, देखो तुमसे कि चार अंगुल लंबे, अब हम अपने हिसाब से निर्णय लेंगे, अब मानने की जरूरत नहीं है। फिर जब उनको पापा कहने लगते हैं बच्चे 10 साल के बाद, फिर उनको समझ आती है मानने में फायदा था, माता पिता की बात को मान लेते तो
सुखी रहते। और ये यही बात फिर वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, देखो हमने अपने माता पिता की बात को नहीं माना, आज हम पछता रहे हैं, तुम मान लो सुखी हो जाओगे। हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाने लिखाने के लिए बड़े प्रयास किए, हम नहीं माने, आज हम सोचते हैं कि थोड़ा और पढ़ लेते तो कुछ और उन्नति करते। तो बेटे हम तो नहीं कर सके, आप पढ़ ले। ये बात तो सबके समझ में आती है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि असली पढ़ना क्या है। स्कूल की किताबों को ही पढ़ाई समझ रखा है, क्यों? बड़ी नौकरी मिल जाएगी इसीलिए तो पढ़ना है, ये पढ़ाई नहीं। केवल नौकरी हासिल करना पढ़ाई नहीं है, ये तो बेरोजगारी से बचना है बस। ये बेरोजगारी फैली हुई ऐसा हम सोचते हैं, अब नौकरी लग जाए तो रोजगार पर खड़ा हो जाए बच्चा, इसमें पढ़ाई वाली कौन सी बात आई? दो पैसे कमाने लग गया, नौकरी लग गया, इसमें ज्ञान की तो कोई बात नहीं। ज्ञान की बात तो तब है जब सारे परिवार को जोड़ के रखे, सबसे प्रेम से बोले, अहंकार ना करे, अपने छोटे को बाह पकड़ के उठावे ऊपर, बराबर का भाई बनावे, उसको बराबर में बसावे, बड़ों की सलाह लेवे हर काम में, माता पिता का सम्मान करे, भारतीय वैदिक संस्कृति धर्म के ग्रंथों का, साधु संतों का, मंदिरों का, इनका अनुसरण करे, इनकी आज्ञा का पालन करे, पढ़ाई तो ये है। स्कूल की पढ़ाई पढ़ लिया और स्कूल की पढ़ाई को पढ़ के घर में आके ऊंचा ऊंचा बोल के सुनाने लगा, तो घर में मां कह रही है क्या बोल रहा है, हमारे पति ये भाषा तेरे समझ में आती नहीं। अब फिर और ऊंचा बोलने लगा, अब बुढ़िया अम्मा कहती है क्या तेरे पढ़े लिखे की बुद्धि खराब हो गई, ये सीख जाता है स्कूल में से। कोई ऐसी बात बोलो जो सबके समझ में आए। अब ऐसी बात स्कूल में कोई सिखाता ही नहीं, जो बात सबके समझ में आए, सब कहें भाई बात भाई अच्छी बात है, अच्छी सुनने में भी अच्छी लग रही है, समझने में भी अच्छी लग रही है, ऐसी बात तो सिखाते ही नहीं स्कूलों में। तो स्कूल की पढ़ाई पढ़ाई नहीं है, वो तो एक रोजगार के लिए तकनीक बना रखी है कि ये पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, उसमें ज्ञान की कोई बात नहीं, उसमें वेद पुराण शास्त्र की कोई बात नहीं, उसमें धर्म के संस्कारों के नीति की मर्यादा की एक बात नहीं। इसलिए तो जितने पढ़े लिखे हैं उनमें से बहुत ज्यादा ऊंचे पढ़े लिखे की बात कर रहा हूं, बुरा मानने की बात नहीं है, उन पढ़े लिखों में से 80% जिद्दी होते हैं, अपने अपने चलाते हैं, वो किसी के सुनते नहीं। अपने अपने क्यों, उनको ये हो जाता है हम तो पढ़े लिखे हैं, ये क्या जानते हैं, ये अनपढ़ लोग। तो धर्म का ज्ञान, संस्कृति का ज्ञान, संस्कार शिक्षा, नैतिक शिक्षा, भक्ति ज्ञान वैराग्य, कर्म योग, सांख्य योग, दान, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, ये सब बातें तो हमारी वेद पुराणों में हैं,
लिख के गए संत लोग और यही वेद पुराण पढ़ाए जाते थे हमारे गुरुकुलों में। और अंग्रेजों ने जब भारत आए तो सारे गुरुकुल बंद करा दिए और अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू करा दी। और इतने आज भी हम आजाद नहीं हैं, गुलाम हैं। पढ़ते हैं हम दूसरों की भाषा, अपनी भाषा संस्कृत हिंदी को छोड़ गए। बोलते हैं हम उनकी बोली, अपनी बोली को छोड़ दिया। पहनते हैं हम उनके जैसा, अपना पहरावा छोड़ दिया। खाते हैं हम उनके जैसा, अपना पवित्र भोजन बैठ के खाना छोड़ दिया। तो सोचते हैं उनके जैसा धन के बारे में बस, और गांव को, माता पिता को, देश को, राष्ट्र को, भगवान को किसी चीज के बारे में सोचते ही नहीं। भाईचारे की भावना को समाप्त कर लिया। सोचते हैं बस धन बन जाए, किसी भी तरीके से बन जाए, चाहे गांव को त्याग के बन जाए, धन बन जाए और बच्चे पढ़ लिख के बड़ी नौकरी लग जाए। और जब बच्चे भी नौकरी लग जाते हैं, एक बच्चे के लिए 1000 लोगों को मैंने त्याग दिया। किसके लिए? एक बच्चे के लिए। एक बेटा है हमारा, उसको पढ़ाने के लिए मैं अपने गांव को छोड़ के शहर चला गया। एक बच्चे के लिए 1000 लोगों को छोड़ के गया मैं। उसमें सब गांव, माता पिता, चाचा, ताऊ, दादा, दादी, भतीजे, भाई, बहने, अड़ोसी पड़ोसी, गोत्र के लोग, सब को छोड़ के एक बच्चे के लिए। खूब कमाया, खूब पढ़ाया, खूब लाड़ लड़ाया और नौकरी भी लगवाया, विवाह भी कर दिया, कोठरी भी बना दी। और बच्चा कहता है, वो एक बच्चा फिर माता पिता को तो त्याग देता है। और माता पिता रोते हैं। रोते क्यों हैं? हमें क्यों त्याग रहा है बेटा? अब ये बात माता पिता को समझ में नहीं आती, क्यों त्याग रहा है। उसको तो लगता है ये हमें गलत त्याग रहा है। और बच्चा कहता है, मैं तो सही त्याग रहा हूं, मुझे तो अपनी नौकरी करनी है और नौकरी भी तुम्हारे से 50 किलोमीटर तो 100 किलोमीटर दूर करनी है और 25वीं मंजिल पे अपना फ्लैट लेके रहना है, जहां तुम ना उतर सको ना चढ़ सको। ठीक है, तुझे नौकरी करने पर हमें क्यों त्याग रहा है? तुम्हें तो इसलिए त्याग रहे हैं, तुमने भी तो एक बच्चे की वजह से सबको त्यागा था। उस त्याग में तुमने गुण देखा, दोष तो नहीं देखा। एक बच्चे को साथ देना तुम्हें लगता है बड़ा गुण है आप में। एक बच्चे को हम साथ देंगे, इसका इसको पढ़ाएंगे, इसको लिखाएंगे, इसको धनवान बनाएंगे, इसको अच्छे लोगों में ले जाएंगे, गुण दिखता है इस बात में। और जो 1000 लोगों को त्याग दिया, वो दोष आपकी नजर में कभी चढ़ा नहीं। कितना पाप लगा होगा एक बच्चे की वजह से तुमने 1000 लोगों को त्याग दिया, सब रिश्ते नाते तोड़ दिए एक मिनट में। एक मिनट में 1000 लोगों को त्याग के चला गया एक बच्चे की वजह से। कितना पाप लगा? सबको त्यागने का, जन्मभूमि को त्यागने का पाप,
चाचे ताऊ भाई भतीजे सबको त्यागने का दोष, इस दोष की वजह से वो बच्चा फिर माँ बाप को अकेला छोड़ के विदेश में चला जाता है। माता पिता कहाँ हैं, फ्लैट में अकेले पड़े हैं 25वीं मंजिल पे, और लड़के की तो नौकरी लगे, बहू की भी नौकरी लगे, अमेरिका में पक्के हो गए, वहीं पे नौकरी पढ़ाई बड़ी कर रखी थी। अब वो गांव से भी बेच के सब चले गए और वहां भी बूढ़ा बूढ़ी होंगे, उनको अमेरिका में जरूरत नहीं है और अकेले पड़े हैं दिल्ली कलकत्ता जैसे शहरों में 25वीं मंजिल पे। गांव वाले मन मन में तो सोचते हैं, हाँ उनके तो बहुत धन है, वो तो सुखी होंगे, सुखी हैं वो तो उनका अंतरात्मा जानता है कितने सुखी हैं। तो प्रयास क्या करना चाहिए, वो शिक्षा नहीं, शिक्षा बच्चों को दो पर शिक्षा खुद मत भूलो। एक बच्चे के पढ़ाने लिखाने का ही आपको फर्ज नहीं है, उसके अलावा भी आपके 700 फर्ज हैं, उन फर्जों को भी आप पूरा करो। आपके सास ससुर हैं, आप उनकी सेवा करोगे बच्चे देखेंगे कि नहीं, और आप उनको त्याग के चले जाओगे, हम तो बच्चे के लिए जा रहे, बच्चा वही त्यागना ही सीखेगा आपसे, बच्चा भी ला होते तुम्हें त्याग के चला जाएगा, उड़ता पंछी हो जाएगा। और फिर तुम ये भी बात हमसे पूछते हो कि हमने तो भला ही भला करा बच्चे का, बच्चे का तो भला ही भला करा हमने तो, रे बेटा मैंने तेरे लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले, मैं तेरे को उठा उठा के फिरी किराए पे शहरों में दिल्ली में फलाना में कुछ, वो सब याद रखती है माता पिता दोनों, और ये याद नहीं रखते कि हमने तेरे वजह से काम का भी उनको त्याग दिया, ये हमारी गलती थी, हमने माता पिता को त्यागा, सास ससुर को त्यागा, अपने जन्म भूमि को त्यागा, ससुराल को त्यागा, चाचे ताऊओं को त्यागा, जिन्होंने दुख सुख में मेरा साथ दिया उन सबको त्याग दिया, गांव का खेड़ा, गांव के मंदिर, गांव की माता, गांव के बाबा रंगपुरी, गांव के सब चीजें हमने त्याग दी, पाप कहां जाएगा उनका पाप, वो सिर से बैठा है। पढ़ाओ लिखाओ, काम करो, रोजगार करो, त्याग के मत जाओ गांव को। अपना गांव में जो मिला है वो तुम्हारा कुछ नहीं है, उसमें वो तो तुम्हारे बाप का है, दादा का है, मिनट में बेचे भाग जाते हैं, उसमें तेरा क्या था, तूने खरीदा नहीं, तूने बनाया नहीं, बना उसी में तू पैदा हुआ, जन्म भूमि तेरी, बाप दादा ने तेरे को दही बना के संभाल भी नहीं सके, एक मिनट में आधे बोल में देके फरार जाते हैं और बाहर जाके ये भी कहते नहीं कि हम फतेहपुर के हैं, कहां के हो, हाँ चंडीगढ़ के हैं जी, चंडीगढ़ के हैं, फतेहपुर के बताते में भी शर्म आ रही, पाप नहीं तो क्या है ये, पाप ही लगेगा, दोष लगेगा, ऐसा नहीं करना। शिक्षाएं दो, पढ़ाओ लिखाओ, जब पढ़ाई पूरी आ जाए और जाए अपने घर में रहो, अपने विकास करो, अपने जन्म भूमि में कमाओ लगाओ, भगवान का भजन करो, यहाँ के तीर्थों को, यहाँ के मंदिरों को, यहाँ के बड़े बुजुर्गों में बैठो उठो, जो रिश्ते नाते, जो प्रेम प्यार अपने परिवार, अपने खानदान में, अपने गोत्र के लोगों में, अपनी जाति के लोगों में, अपने गांव के लोगों में जो जीवन यापन हो सकता है, अनजान लोगों में नहीं हो सकता।
एक सच्ची घटना बताता हूँ। मेरी दादी थी, अम्मा, मेरे ताऊजी रहते हैं फरीदाबाद, पिताजी रहते गांव में। अब दादी जी हो गई बीमार और फरीदाबाद वाला ताऊजी कहने लगा, माँ जी मेरे साथ चलो। कि नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या पता मैं मर जाऊं, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो ताऊ जी कहने लगे कि मर जाएगी तो वहां भी शमशान घाट तो है, वहां पे अंतिम संस्कार हो जाएगा विधि पूर्वक। हम तो वहां 30 सालों से रह रहे हैं और हमारा तो वहां पे खूब भाईचारा बन गया, और तेरा अंतिम संस्कार वहीं कर देंगे। बोले बिल्कुल नहीं जाऊं, 1 से लाख तक नहीं जाऊं। क्यों नहीं जाएगी ये तो बता। बोले सुन, इसलिए नहीं जाऊंगी मैं फरीदाबाद, अगर मैं मर गई और वहां पे तुमने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया, और जब मैं ऊपर जाऊंगी भगवान के पास, वहां तो सारे लोग फरीदाबाद वाले मिलेंगे, और कहने लगी, देखो आगे बात सुन और भावना देखो, सारे लोग फरीदाबाद में फूकोगे तो फरीदाबाद के लोग आगे मिलेंगे भीड़, तेरे पिताजी को मैं कहां ढूंढूंगी। हालांकि उन दोनों की आपस में कभी बनी नहीं, झगड़ा रहता था, लेकिन और 30 साल हो गए थे उसको स्वर्ग से धारे हुए, 30 साल बाद वो मन में लेके बैठी मन में, और बनी भी नहीं उनकी, फिर भी उसके मन में यही कि मैं उसको ढूंढूंगी और मुझे वो मिलेगा। और फिर कहने लगी, मैं तो गांव में अपना शरीर छोड़ूंगी। क्यों? गांव में मैं जाऊंगी, गांव के लोग मिलेंगे धर्मराज के घर में, अब सारे मेरे को पहचानेंगे, मैं सबको पहचानूंगी, तेरे बाप को मिलेंगे तो ठीक, नहीं पूछ लूंगी कहां से है। तो ऐसी भावना, पवित्र भावना ऐसी, ये है भारत के संस्कार, ये है भारत की शिक्षा। इसलिए अपने गांव को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। काम से जाओ, रोजगार से जाओ, कोई मना नहीं, धन कमाना, पैसे कमाने, पुराने जमाने में भी लोग जाते थे, बिजनेस के लिए जाओ, नौकरी के लिए जाओ, पढ़ाने के लिए जाओ, पढ़ने के लिए भी जाओ। जब सब काम पूरे हो जाए, अपने जन्मभूमि को मत भूलो, वहां पे आ जाओ, अपना वहां भी रहने का सिस्टम बना के रखो, और कम से कम जब सारे फर्ज पूरे हो जाएं और बुढ़ापा आ जाए, तो शास्त्र कहता है ना कि बुढ़ापे में पुराने जमाने में लोग घर को छोड़ के और संतों के आश्रमों में जंगलों में चले जाते थे, भजन करते थे, अपने बच्चों को काम धंधा सब संभलवा के। तो ऐसी शिक्षा तो मैं जरूर देता हूं कि अगर ज्यादा भी ना कर सकें तो बच्चों को रोजगार में लगा के अपने गांव वाले घर में भजन करके और बुढ़ापा बिताना चाहिए, ये सबसे आनंद की खुशी की बात है। जीवन में जो गिला शिकवे हो जाएं आपस आस पड़ोसियों से, तो बुढ़ापे में सबको दूर कर देना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जवानी में देखो, किसी में रूप का अहंकार होता है, किसी में पैसे का अहंकार होता है, किसी में बेटे पोतों का अहंकार होता है, लेकिन कोशिश करो
के बुढ़ापे में कोई अहंकार ना आवे, ऐसी प्रार्थना भगवान से जरूर करो। जैसे जैसे उम्र बढ़े अहंकार को घटाना सीखो, फिर अहंकार नहीं पड़ना चाहिए। फिर तो ये कहना चाहिए, बहन किस बात का अहंकार, भगवान का दिया तो सब कुछ है पर मेरा कुछ नहीं, सब आपका ही आशीर्वाद है। ये बेटे पोते मेरे नहीं, ये सब तुम्हारे ही हैं। ये उम्र बढ़ती है, समझ बढ़ती है तो ऐसे कहना सीखो। और ये कहना तो और सोचना तो बिल्कुल छोड़ दो। क्या देखो, जो इस कथा में आता है, जो इस मंदिर में सिद्ध पीठ में आता है, जो किसी भी भगवान के दर्शन करने के लिए कितने भी मंदिर में जाता है, वो लोग एक बात मुंह से कभी बोलने नहीं चाहिए। क्या कि हमारे घर में तो इन्होंने कुछ करा रखा पड़ोसियों ने, इस बात को तो बिल्कुल कहना छोड़ दो। क्यों? जो भगवान के दरबार में रोज जाता है, भगवान के दर्शन रोज करता है, संतों के दर्शन रोज करता है, शिव कथा भगवत कथा रोज सुनता है, हृदय पे हाथ रख के ऐसा विश्वास कर ले, हमारे ऊपर हमारे घर में कोई कुछ करा ही नहीं सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। और ऐसी ऐसी बात हमारे पास करना भी नहीं और अपने मन में सोचना भी नहीं। कोई आपको बोले कि बहन आपको तो लगा है कुछ खिला रखा, कुछ करा रखा, यहाँ तो कल हल्दी पड़ी थी, परसों यहाँ देखो हल्दी में नींबू निचोड़ कर देखना क्या बन जाएगा, लाल रंग बन जाएगा। आप किसी के पड़ा हो तो कहेंगे कौन पड़ा था। बहन करना है तो कोई इलाज नहीं, बहन का कोई इलाज ही नहीं, बहन करना है ही नहीं, कुछ भी पड़ा रहे उठा के भगवान का नाम लेके दूर फेंक के गंगा जल का देव छिंटा और तो कुछ नहीं है, जिसने करा उसी को भरना है। हमारे आसपास कुछ लगता नहीं, लग सकता नहीं, हमारे पास तो भगवान लगते हैं और हम भगवान के पास लगते हैं, बीच में तीसरा कोई नहीं। जब तक आपके मन में ये भाव रहेगा कि हमारे घर में किसी ने कुछ करा दिया, सोच लो आपको भगवान, उस व्यक्ति को तो भगवान कभी नहीं मिलेगा, तभी मिलेगा ही नहीं। ये कथा लाख बार आप सुनो कोई आपको असर नहीं होगा, जब तक मन में ये सोचोगे हमारे तो कुछ करा रखा। यही बात मन में से निकालने के लिए तो कथा होती है, यही बात मन में जमा करके बैठे हो। जे कौए के कोसने से ढोर मरे और सोचने से धन होवे और पानी में से घी निकले तो सब कुछ ले बिलो, सब कोई बिलो ले बे, नहीं होता। जिनको करना है वो दुष्ट लोगों का काम है, पापी अपराधी दुराचारी लोगों के काम है वो, और कराने वाले भी वही हैं। वो ऐसे ऐसे गुरु बताने वाले, ऐसे ऐसे चेले, दोनों नरक में जाते हैं। एक को तो दिखता नहीं और एक को सुनता नहीं, एक को देख एक ना सुनी एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। एक अंधा एक बहरा, वो दोनों गुरु चेला, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेल मठेला और दोनों नरक में जाते हैं। ऐसे टूने टामन टोटके के चक्कर में पड़ना ही नहीं, सीधा या तो भगवान का नाम ले लो या दान कर दो, समझ के कुत्ते को कर दो, गौ को कर दो, शनिवार किसी बार के बहाने से कर दो, किसी त्योहार के बहाने से कर दो, दान कर दो, कोई डर नहीं।
और जाप करो भगवान का, कथा सुनो, सीधा सीधा मंत्र है, कोई समस्या घर में है बिना पूछे ही चैतान कर दो, गौशाला में जाओ हरा चारा डाल लो, गौशाला में जाओ कोई गुड़ दलिया बना के ले जाओ, बिना बनाया कच्चा ले जाओ, उनको दे के भैया ये डाल देना हमारी तरफ से, आ जाओ। गाय है गली में अपने द्वार पे आई है, रोटी दो, गौग्रास गौग्रास दो, शास्त्र का विधान है सनातन वैदिक धर्म में रोटी नहीं खाता था कोई, गौ की रोटी निकाले बिना। पहले जमाने में तो प्रत्येक आदमी, हर एक आदमी एक एक रोटी निकालता था फिर अपने खाने से पहले, फिर जमाना बदला, फिर कहने लगे भैया ऐसा है जितनी बार रोटी बनेगी ना अब ये अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, माँ जी को बोल दो वही पहले रोटी गाय की बना देंगे। तो जितनी बार भी रोटी बनती थी, एक बार दो बार तीन बार चार बार, वो घर का हिसाब होता है, उतनी बार एक रोटी गाय की निकाल देते थे। फिर और लालच बढ़ा, फिर एक टाइम में निकालने लगे एक रोटी, तीन टाइम का बंद कर दिया निकालना, एक टाइम निकालने लगे, फिर और लालच बढ़ गया, अब एक टाइम भी नहीं निकालते, मूर्ख लोग हैं। तो गऊ ग्रास के बिना रोटी खाना पाप है, और दो रोटी तो जरूर निकाल देनी चाहिए और दो डब्बे में रखनी चाहिए। क्यों? एक रोटी निकालो गऊ की, एक रोटी निकालो बाद वाली कुत्ते की, पहले वाली गऊ की, और दो रोटी रखो भगवान के लिए, किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी टाइम। तुलसी संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण हिल जाए, दाता इतना तो दीजिए जामे को तुम समाए, ना तो मैं भूखा रहूं ना साधु भूखा जाए। और ये चार रोटी बहुत कम लोग बनाते हैं, ना तो कुत्ते की बनाते, ना गौ की बनाते, और ना भगवान की बनाते। तो कोशिश करना ये जरूर समझाना, अपने घर में प्रयोग करना, समझाना और ये भी बताना। और इतना तुम लोग तो जरूर कोशिश करना कि बच्चों तुम पढ़ो लिखो कहीं भी जाओ, अब हम तो अपने गांव में ही अपना शरीर पूरा करेंगे, यहाँ बाहर पहचाने का नहीं कोई, बोलो क्या शरीर बाहर नहीं कोई पहचानने वाला। तो महादेव के चरणों में नमन करते हुए महादेव की महिमा, शिव तत्व के बारे में कुछ शास्त्रीय तात्विक चर्चा करेंगे। आठ बताए शंकर जी के हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुराणों ने, अष्टमूर्ति कहा शंकर जी को, और इन आठों का आप नाम सुनोगे तो समझ जाओगे कि ऐसी जगह कोई है ही नहीं जहां शिव नहीं है, या जहां पे कृष्ण नहीं, शिव और कृष्ण ये दो नाम नहीं है, एक ही नाम है, दो बार बोल दिया, उसी को एक बार शिव कह दिया, एक बार कृष्ण बोल दिया। जब वो बागंबर ओढ़ते हैं, डमरू त्रिशूल लेते हैं, उनको हम शिव कहते हैं, जब वो बंशी लेते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, मोर का पंख लगाते हैं, उसको हम कृष्ण कहते हैं। तत्वतः एक ही है। इस बात को तो गहराई से धारण कर लो मन में, बैठा लो मन में कि शिव कृष्ण अलग अलग नहीं, एक ही है।
कहां कहां है, ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां सृष्टि में नहीं। सृष्टि का कारण है शाश्वत, एक मूर्ति है पृथ्वी धरती माता, आठ रूप है ना भगवान के। शिव पुराण में बताया कि आठ रूप भगवान के आपको जो आत्मा से रोज दिखते हैं, जिनके लिए आप जाप करते हैं, वो ही है वो कौन, एक धरती माता। कृष्ण वही है, शिव वही है, एक रूप में उसका दर्शन करो, धरती माँ को बोलो तू ही तो बांके बिहारी है, तू ही सदा शिव है। धरती माता तो हमारे को ऐसा कौन सा समय है जहां हम धरती माता हमारे को नहीं दिखती, हर जगह हर पल है, और हम उसके ऊपर रहते हैं और कहते हैं भगवान पता नहीं कहां मिलेगा, कितनी मूर्खता की बात है। कोई पूछे भगवान है, अरे जिसके ऊपर तो खड़ा है ये भगवान ही तो है धरती माता, विश्व शिव रूप है ये, दूसरी मूर्ति भगवान की जल, इस शरीर में भरा पड़ा जल ही तो है इसमें, एक शरीर है ये, इसमें 70% तो जल है, एक गिलास में पूर्णा गिलास तो जल का है, तो इसमें मतलब ये गिलास है तो भरने से थोड़ा सा कम तो जल ही जल का भरा है, सबसे ज्यादा इसमें जल है। जल में ही, जल से ही बनता है, जल से ही चलता है, जल ही मांगता है, और मुक्ति नहीं हुई तो बोले गंगा जल में प्रवाहित करो, जल में ही फिर जाना है, और हम ऐसी पवित्र भूमि पे हैं कहीं नहीं जाना, ये वो भूमि है। वो समझ नहीं आ रही आपको, ये वो भूमि है जहां आप बैठे हो, कुरुक्षेत्र भूमि, कोई गंगा जी में जाने की जरूरत नहीं, गंगा खुद आती है यहाँ पर। हरिद्वार के जल में मुक्ति, काशी जी के जल थल में और कुरुक्षेत्र में, तीनों मुक्ति अंतरिक्ष और जल थल में, ये वो कुरुक्षेत्र है। तारखों के कहना चाहिए गंगा से और काशी से भी बड़ी भूमि पे हम पैदा हुए और हम रहते हैं, और धरती माता हमारा भगवान मिला मिलाया, किससे मिले बताओ, और दूसरा जल, और तीसरा भगवान है अग्नि, सूर्य का संबंध आंख से है, तेज सूर्य, अग्नि का भंडार है सूर्य, आंख के देवता, सारी सृष्टि को शिव रूप देखो, कृष्ण रूप देखो। अग्नि स्तंभ के द्वारा शिवलिंग प्रकट हुआ था, एक अग्नि स्तंभ था, उसमें ऊपर ब्रह्मा गए, नीचे विष्णु, अता पता मिला नहीं, वापस आके भगवान शिव के शरण में पड़ गए। ब्रह्मा विष्णु साहंकार ऊर्ध्वं अधो यातौ ऐश्वर्यं तव गन्तुं शीघ्रं ते शंभो, दिव्यं वर्ष सहस्रं पारं न यातौ भ्रांत्वा निरहंकारौ शरणं ते यातौ। जब नहीं उनको आता पता और छोर मिला, आदि अंत कुछ नहीं मिला, तो शिव की शरण में आए
और शिव ने उस पूरे ज्योतिर्लिंग को एक शिवलिंग के रूप में विद्यमान कर दिया। बोले ये क्या है जी, गोल गोल शिवलिंग? बोले ये पूरा ब्रह्मांड का फोटो है, ग्लोब होता है इस धरती का और जल समुद्र का मानचित्र का नाम। ग्लोब दर्शाता है कि पृथ्वी गोल है और ये देखो घूम रही है, लेकिन ये शिवलिंग है, ये भी गोल है ग्लोब की तरह, लेकिन ये धरती और समुद्र का नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड का ग्लोब है। इसमें खगोल भूगोल सब आ जाता है जी। इसमें सूर्य चंद्र इंद्र कुबेर वरुण यम सब आ गए, ब्रह्मा भी इसमें आ गए, विष्णु भी इसमें आ गए, 33 कोटि देवी देवता सब इसमें इसके अंदर ही खेल रहे हैं। सब गुलर के फल में घुनगे होते हैं, ये तो बस वो पूरी दुनिया है ये शिवलिंग जिसको कहते हैं, और इसके अंदर हम घुनगे हैं, सब खेल रहे हैं। ये पूरे ब्रह्मांड का पूरे विश्व का फोटो है, इसके अंदर है सब ब्रह्मांड दुनियादारी। भगवान शिव कहते हैं भैया देख लो इससे बाहर कोई हो तो, बोले कुछ नहीं है इससे बाहर, ब्रह्मा विष्णु भी नहीं, इसके अंदर ही घुसे हुए हैं सब। अब करो इसकी पूजा, इसकी पूजा हो गई तो इसकी सब के हो गई, समझ गए? प्रतीक है ये पूरा सब ब्रह्मांड का। प्रतीक का मतलब होता है लिंग, प्रतीक पहचान, ये उसकी पूरे ब्रह्मांड का फोटो है, बस ये पहचान है ये पूरा ब्रह्मांड का। और कोई कोई पुलिंग स्त्रीलिंग वाला लिंग समझे तो महामूर्ख है, ऐसा शिव पुराण में नहीं बताया। इसमें ऐसा है, इसमें क्वेश्चन आंसर ही नहीं है, ऐसा सिर्फ एक ही बात का ज्ञान दिया भगवान शिव ने कि पूरे ब्रह्मांड का गोलवार चक्कर है ये पूरा, दूसरी कोई बात ही नहीं इसके अलावा। अग्नि देवता है जो वो शिव रूप हैं, कई दिन पहले मैं एक दिन पढ़ रहा था तो कोई कोई बता रहा था कि पितर तो होते ही नहीं, ये बात वही लोग कहते हैं जो सनातन वैदिक धर्म को अपनाना नहीं चाहते। पितरों के बिना तो है ही नहीं कुछ, वो तो भाई भाई हैं, देवता और पितर अलग अलग है ही नहीं, ऐसा एक भी ग्रंथ नहीं है जिसमें पितरों का वर्णन नहीं आता। आप गीता उठाओ, भगवान ने गीता में भी पितरों का वर्णन दिया। अरे गंगा मैया को बुलाया क्यों पितरों की मुक्ति के लिए, तो गंगा आई, पितर नहीं होते तो मर मर आ गए थे, फिर तो क्या जरूरत थी भगीरथ को गंगा बुलाने की। अब ज्ञान की बात सुनना आगे, तो जो ब्रह्मा विष्णु की बात मैंने आपको बताई, उसके बाद अनंत, अनंत कहते हैं आकाश को। तो भगवान शिव की अगली मूर्ति है आकाश। भगवान शिव की कृपा से देवताओं और पितरों को, देवताओं को मिलता है हव्य और पितराओं को मिलता है कव्य, आहुति दी जाती है ना देवताओं के लिए, उसको बोलते हैं हव्य।
हवन हव्य और पितरों को दी जाती है कव्य। और ये दोनों ऐतिहासिक तीर्थ हमारे पास में है बिल्कुल, भाणा तरोड़ा गांव है दो, हव्य तीर्थ है भाणे गांव में और कव्य तीर्थ है करोड़ा गांव में। भाणा तरोड़ा हव्य मतलब तो पता होगा इनको, इन जानकारी रहेगी जो, यही तो बात है। इतने बड़े बड़े पुराणों में उनका नाम आया, शिव पुराण में उनका, और आगे सुनोगे तो बहुत बातें। अभी मैं 2 महीने रुकने वाला थोड़ा ही, सावन सावन तो मैं सबको बुलाऊंगा ही, और उसके बाद भी अगर सावन में आनंद आएगा आपको तो भादवा में भी आऊंगा और कृष्ण का भागवत सुनाएंगे फिर। और धीरे धीरे एक बात भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे जो आपको नहीं बताएंगे, धीरे धीरे सब बातें बताएंगे, और वो बातें बताएंगे जो कभी सुनी नहीं, देखी नहीं, पूछी नहीं, दिमाग में आई नहीं, सपने में देखी नहीं, और कोई सुना सकता नहीं, और कहीं आपको पढ़ने में भी नहीं आएंगे। तो क्योंकि उन चीजों का उन संतों का से सुनते हैं हम, उसका अनुवाद करते हैं, उसको लिखते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, उसको ढूंढते हैं, कितनी मेहनत करते होंगे हम सोच के देखना, और सामने आओगे तो हम खाली के खाली मिलेंगे, भाई ये बैठा खाली कुछ नहीं कर रहा। तो बहुत प्रयास, मुझे ऐसा कई बार लगता है कि जितना प्रयास मेरा है उतना आपका नहीं है, और होना चाहिए आपका मेरे से 4 गुना ज्यादा, क्योंकि काम तो आपका ही लगाऊं मैं, आप उद्धार तो आपका करना है। तो हव्य कव्य सब देवताओं और पितरों को प्राप्त होता है, हव्य से देवताओं की तृप्ति होती है, कव्य से पितरों की तृप्ति होती है, ये सब शिव जी के अंश हैं। देवों के देव महादेव हैं। यज्ञ करते हैं भगवान शिव के लिए, आहुति प्रदान करते हैं, अलग अलग नाम होते हैं यज्ञों के, लघु रुद्र होते हैं, महारुद्र होते हैं, अति रुद्र होते हैं, रुद्री का पाठ होता है सुबह सुबह, रुद्राष्टाध्यायी अभिषेक होता है, साथ में रुद्री सुनते हैं पढ़ते हैं। तो 11 ब्राह्मणों के द्वारा 11 बार पढ़ी जाए रुद्री, तो 11 और 11 121, 11 10 110 और 11 और 11 से 121 हो जाएंगे। 121 बार रुद्री को पढ़े उसे कहते हैं लघु रुद्र। सीधा सीधा पाठ करें रुद्राभिषेक कहते हैं। और लघु रुद्राभिषेक में ज्यादा ब्राह्मण लगते हैं, ज्यादा समय लगता है, पार्थिव शिवलिंग हो शंकर जी का, मिट्टी का शिवलिंग बना के, तो पृथ्वी के रूप में होता है वो। ऐसा भी समझ सकते हो कि मैंने धरती माता को प्रणाम कर लिया, ये सारी धरती शिवलिंग ही तो है, सबके लिए सुविधा है यहाँ, ये सनातन धर्म है, जो मिट्टी ले आए बनाए
फिर पूजा करे उसके लिए भी विधान है। जो ना ले आ सकता ना बना सकता बुजुर्ग है और उसके लिए सबसे अच्छा बोले देखो तुमने ये मिट्टी का पिंड बनाया फिर इसको शिवलिंग, ये सारी धरती शिवलिंग ही तो है। मैंने देश को नमस्कार कर लिया बोले देश ने सब हो गया। तो ये पृथ्वी तत्व है जो शिव के रूप में है। पृथ्वी को शिव मानते हैं, उसका छोटा आकार या मिट्टी से बना लिया शिवलिंग और इसको मान लिया कि पृथ्वी भगवान शिव का रूप है। जल से अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं। अग्नि वायु आकाश ये पांचों महाभूत जो हैं शास्त्रों में वर्णन, उनके अनुसार देखोगे आकाश को यदि शिव के रूप में देखोगे तो ऐसा लगेगा फिर कि सारी धरती जो है वो तो जलहरी है और ये आकाश ये उसके ऊपर शिवलिंग बना रखा है भगवान ने। पूरी धरती जलहरी, जलहरी को अर्घा भी बोलते हैं कहीं कहीं, अर्घा। वैसे अर्घा एक पात्र का नाम होता है, तांबे की चम्मच जैसा होता है, हाथ में रख के संकल्प करते हैं, उसमें दूध चावल रख के पुष्प रख के धन धान्य रख के ऐसे हाथ में दे देते हैं पंडित जी, ये ले लो जी, इसमें जल भी है दूध चावल, उसका नाम अर्घा होता है। उसे ऐसे अर्घ देते हैं, सीधा सीधा चला जाता है। और ये जलहरी भी उसी के आकार की होती है ऐसे करके, इसको भी अर्घा बोल देते हैं, जलधारी भी बोलते हैं, जलहरी भी बोलते हैं। बात तो समझ में आने से मतलब है, बोलो कुछ भी। तो आकाश तत्व को यदि शिव के रूप में देखते हैं शिवलिंग के आकार में तो ऐसा लगता है ये पूरी धरती तो होगी देखो अर्घा, और ये आकाश ऐसा लगता है कि गोल गोल है ऊपर से, देखने में तो ऐसे ही लगता है, जहां तक नजर जाती है ऐसा लगता है कि बस आकाश वहां मिल गया धरती से। तो शिवलिंग का रूप देखा जाता है। पांच तो हो गए पंच महाभूत, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, ये पांचों शिव का रूप है। और तीन और हैं, तीन में कौन है, एक सूरज एक चंद्रमा, कितने हो गए सात, और आठवां होता है भगत, जोश भगवान को मानने वाला, जो नमस्कार करता है इनको शिव या कृष्ण समझ के, जिनको प्रणाम करता है आठवां वो खुद है। वो समझ ले कि मैं भी इनका हूं और ये मेरे हैं, जितने पवित्र ये हैं इनसे मैं बना हूं उतना ही पवित्र मैं हूं। अपने आप को कभी पापी मत समझे, पवित्र समझोगे तो भगवान के सामने जाने के लायक होंगे। संतों के सामने जाने के लायक बनोगे, पापी अपराधी नहीं समझना। हाँ एक काम कर सकते हैं, भगवान के और संतों के सामने क्षमा मांगते समय एक पल के लिए सोच सकते हो कि गुरुदेव हम तो पापी अपराधी हैं क्षमा करना, लेकिन अकेले बैठ के घर में बैठ के काम करते समय और काम करते समय नाम जपते समय कभी पापी अपराधी नहीं। बस वो एक बार सोच सकते हो जब आप क्षमा मांगो संतों के बड़े बुजुर्गों के सामने भगवान के सामने, बोलने के लिए है वो केवल, क्यों, ताकि अपने आप को अहंकार ना हो जाए कि मैं तो बड़ा ही धर्मात्मा हूं, इनसे भी बड़ा धर्मात्मा हूं मैं तो, ना बड़ों के सामने जाके कहना है मैं ना,
मैं तो हजार गलतियां करता हूं और आप लाख बार माफ करते हो। बड़ों के सामने जाके तो अपनी गलती नहीं है, फिर भी कहो मेरी गलती हो सकती है। मैं नहीं कह सकता गुरुदेव कि मेरी गलती नहीं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कुटिल, मेरे जैसा खल, मेरे जैसा कामी कोई नहीं है प्रभु, क्षमा करना। गुरु के सामने जाके, भगवान के सामने जाके, बड़े बुजुर्गों के सामने जाके कभी नहीं कहना कि मेरी गलती नहीं। गलती नहीं, गलती के बारे में पता तक भी नहीं, और बड़े कह रहे हैं कि तेरी गलती, चुप हो जाओ, हाथ जोड़ के मन मन में कहो हे ठाकुर, हे प्रभु, आप जो कह रहे हो सबसे कह रहे हो, मेरी गलती आप कह रहे हो, मैं तो मानता हूं। मान लेना चाहिए, ये धर्म है, वैदिक सनातन धर्म यही है। तुलसीदास जी में कोई कमी नहीं थी, सूरदास जी में एक भी कमी नहीं थी, और बड़े बड़े भक्तों में कोई दोष ही नहीं था, नाम लेने के लिए भी दोष नहीं था उनमें। फिर भी वो जब जाते थे संतों के, गुरुओं के सामने, भगवान के सामने, तो ऐसे कहते, प्रभु मेरे जैसा पापी इस धरती पे दूसरा नहीं है, कृपा करो। सूर क्रूर इस लायक नहीं। सूरदास कहते हैं भगवान के सामने जाके कि प्रभु, सूरदास तो कुत्ता है तेरे दरबार का, और तेरे सामने आने के भी लायक नहीं हूं मैं, इतना पापी। और चेले कहने लगे, गुरु जी आप कहां पापी, हम तो सारा दिन आपके साथ रहते, कोई पाप करते नहीं। अरे भगवान के सामने तो क्षमा मांगो, लाख बार मांगो, करोड़ बार मांगो, फिर भी पाप नहीं किए हैं, फिर भी क्षमा मांगो भगवान के सामने, तो हमें क्या पता कहां गलती हो गई। चलते चलते पैर के नीचे चीते आ जाते हैं, बोलते बोलते अनाप सनाप निकल जाए, अनजाने में निकल, और निकला नहीं, लेकिन अगले ने समझ लिया तो भी हमारी पाप तो लगा। हम बोल रहे थे कुत्ते को, कुत्ते जाता नहीं सुबह से एक ही कोने में पड़ा रहता है, तेरे लिए बनाया ये घर हमने, और सुन लिया किसी बड़े बुजुर्ग ने, और सोच लिया मन मन में, ले कुत्ता कहीं है नहीं, मेरे को तो नहीं सुना रहे। और उसने धीरे से बोल दिया, क्या मेरे को ये सुनाते रहते हो सारा दिन। और फिर उसके साथ में झगड़ा हम करने लगे, तेरे तो मन में पाप रहता है, हम तो कुत्ते को बोल रहे थे। अरे वो नहीं सुनाना, उनको कहो नाची गलती हो गई, हम कह तो रहे थे कुत्ते को, लेकिन फिर भी हम क्षमा मांगते अगर आपको कुछ ऐसा लगा। आप बड़े हो, बुजुर्ग हो, इस घर के आधार हो, इस घर के नीम आपको, अगर आपके मन में लगा तो हम बार बार क्षमा मांगते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए हमारी गलती नहीं, ना गलती नहीं, लेकिन अगले ने लग लिया था कि शायद इसकी गलती है। तो जब उसको ऐसा महसूस हुआ, उसका दिल दुखा, उसके दिल को सांत्वना देगा कौन, जिसको दोष लगाया जा रहा है वो उसके क्षमा मांगे। अगर मैं अभागा हूं, मैं अभागा, मेरे भाग्य ठीक नहीं चल रहा, निर्दोष को भी मुझे दोष लग जाता है, और मैं इसमें भी दोष ना मानूं अपना, तो मैं और अभागा बन जाऊंगा,
और हजार दोष और लगेंगे मेरे ऊपर, फिर क्रोध करने का दोष लगेगा मेरे ऊपर, फिर झगड़ा करने का दोष लगेगा, फिर मेरे ऊपर अपमान का दोष लगेगा, फिर मेरे ऊपर ये दोष लग गए तो किसी की भी नहीं मानते। इसलिए मुझसे जो एक दोष हुआ है अभी, कि आपको गलत फहमी हुई कि मेरे गलती है, उस गलत फहमी को दूर करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि हाँ जी हो गई होगी गलती, और क्षमा कर देना। एक बात में ही शुद्ध होता है सब कुछ। गलती ना होते हुए भी लाख बार मान लो कि हम तो बच्चे हैं, और बच्चे तो गलती ही करते हैं, कुछ और करते ही नहीं गलती के सिवा। हम तो गलती करते हैं, बच्चे हैं आपके, आप कृपालु हो, आप भगवान का रूप हो, आप बड़े हो, आप परमात्मा हो, और परमात्मा का काम तो बच्चों की गलतियों को क्षमा करना ही होता है। इसलिए कृपा करके हमारी गलतियों को ना देखें, क्षमा करें, कोशिश करेंगे आगे से आपका दिल ना दुखे। ये भक्ति है, ये ज्ञान है। यदि ऐसा हमारा स्वभाव हो गया तो माला जपना सफल है हमारा। ऐसा हमारा स्वभाव नहीं हुआ, गलती अपनी मानना आज तक हमने शुरू किया नहीं, बैठे रहो माला लेकर, भगवान देख रहा है ऊपर बैठा। ये माला तो रोज करता है 24-25, अब इसकी माला लिखूं कि नहीं, अब फिर देखता है, फिर झगड़ा घर वालों से, भगवान कहता है अभी नहीं लिखना, अभी एक भी माला नहीं ली इसकी। माला इसके उसी दिन मेरे तक पहुंचेगी जब ये सारी गलती अपनी मानेगा और दूसरों की एक भी गलती नहीं निकाले, तो इसकी भक्ति की उसी दिन शुरुआत हो जाएगी। तब तक भक्ति की शुरुआत नहीं है। विधि नहीं पता, ज्ञान नहीं पता, गुरु की बात नहीं मान रहे। गुरु रोज एक ही बात समझाता है, कोई असर ही नहीं हो रहा, चिकने खड़े हो गए, असर ही नहीं हो रहा। उल्टा ये भी मन में आ जावे किसी किसी के, बोले ले आगे तो कथा सरकते नहीं, आगे तुम सरकते नहीं, तुम खुद आगे नहीं सरकते तो कथा आगे कैसे सरकेगी। तुम ही अपनी गलती नहीं मान रहे, तुम अपने गलती मानो, तुम्हारे में कोई सुधार लगे तो कथा आगे सर के, तुम्हारे में कोई सुधार नहीं, तुम कहते हो हमारी तो गलती ही नहीं, हम तो सुधरे साधरे हैं। ये जब तक ये बोलते रहोगे तो कथा यहीं पे रहेगी। बोलो जैसे सब कहो कि हमारी गलती है, और हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी कोई गलती नहीं, वो गाली देते हैं तो भी उनकी गलती नहीं, वो डांटते हैं तो भी उनकी गलती नहीं, वो कमियां निकालते हैं तो भी उनकी गलती नहीं, उनकी गलती होती ही नहीं, क्योंकि वो हमें इस बात का पक्का पता है, हमारे लिए कहते हैं, हमारे फायदे के लिए कहते हैं, हमारे लाभ के लिए कहते हैं। कोई बड़ा बुजुर्ग ऐसा नहीं, माता पिता दादा दादी जो अपना बुरा सोचे, अपने बच्चों को गलत शिक्षा दे, कोई ऐसा नहीं। कमी हमारी सहनशीलता में है, कमी हमारे अंदर आलस की है। माता पिता चाहते हैं ये काम 10 मिनट का है तो 10 में ही होना चाहिए, हम 10 मिनट के काम को फिसर फिसर करके 2.5 घंटे लगाते हैं तो घर वाले तो बोलेंगे थोड़ा भी जल्दी जल्दी करो। अब फिर हमें मिर्च लगती है कि मेरा काम सुबह करूं चाहे शाम, तेरे को क्या लेना, तो लेना तो है, सिखाई तो रहे है तेरे को, इतनी सेवा करने के लिए आए हो दुनिया में तो सेवा को ढंग से करो, और सेवा तो उसके हिसाब से होती है जिसकी सेवा तुम कर रहे हो। सेवा करना है तो जिसकी सेवा कर रहे हो, अब मेरी सेवा कर रहे हो, मेरी इच्छा है जल पीने की सुबह, और तुम कहोगे हम तो शाम को पिलाएंगे, सुबह नहीं पिलाएंगे, अब इच्छा सुबह हो रही है जल पीने की, तुम शाम को पिलाओगे, सेवा लगेगी। तो घर में जितने लोग हैं उनका जो समय है उस हिसाब से आप काम करो, अपने हिसाब से मत करो। तुम्हारे को टाइम लगे तो किया, नहीं टाइम लगे तो नहीं किया, ये कोई सेवा नहीं है, ये तो फिर मनमुखी है, गुरुमुखी नहीं है।
मन के मते विचालिए, मन के मते अनेक ले डूबे मंज धार में, ना तो बल्ली लगे ना टेक, टेक भी नहीं सुनते भगवान के। देखो यहीं पे काशी है, यहीं पे मथुरा वृंदावन है और यहीं पे भगवान है। ये ज्ञान आप सुनो तो सही, लेकिन मान ले और घर में ही आप उनकी सेवा करके तर जाओगे, चाहे घर के लोग कैसे भी स्वभाव के हैं, उनको ये सोच लो घर के लोगों को कि ये तो काम धेनु गौ माता है, चाहे सींग मारे चाहे लात मारे चाहे दूध भी ना देवे, पर ये है काम धेनु गौ माता, इनकी सेवा करना तो हमारा फर्ज है। जितने सांस हैं उतने दिन हम सेवा इनकी जरूर करेंगे। ये पार होने का तरीका है। तो क्या हुआ, आठवीं मूर्ति कौन बन जाएगा फिर? हम स्वयं खुद बन जाओगे तुम। जब ऐसे तरीके से सेवा करोगे ना तो आप शिव बन जाओगे। आपको जहर भी पिलाएंगे ना देवता तो आप पी लोगे। गले से नीचे नहीं जाना चाहिए। गले से नीचे का मतलब पी लो, बोलना नहीं कुछ। कोई गाली देवे सुन भी बोलो नहीं। यहाँ देखो भाई, दूसरे देश के आतंकवादी आके तो घर में गाली देते नहीं, घर के ही बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनसे क्या बुरा मानना। छोटा हो बड़ा हो है तो घर के अपने ही हाथ पैर हैं वो सब, उनका बुरा नहीं मानना और बिल्कुल भी नहीं। तो शिव आराधन में संकल्प पूर्वक जो बैठ गया, संकल्प करके कि मैं शिव का भक्त हूँ या मैं कृष्ण का भक्त हूँ, ऐसा जिसने सोच लिया वही भगवान की मूर्ति बन जाता है स्वयं। दो मूर्ति हो जाती है भगवान की, एक वो एक और छह मूर्ति अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश सूर्य चंद्र ऐसे। विधि भी होती है क्रियाओं की। जब हमने संकल्प किया कि मैं शिव पूजन करता हूं तो अपने आप को शिव समझो कि मैं भी शिव बन गया, एक शिव मेरे सामने एक शिव जी। फिर बैठ के वहां और अन्य इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं जाना चाहिए। यही सोचो मैं आया ही, पैदा ही मैं ये शिव पूजा करने के लिए हुआ हूं। नाम जाप करते समय ये सोचो मेरा तो जन्म ही नाम जपने के लिए जन्म हुआ है और वही कर रहा हूं, दूसरे काम के लिए हम नहीं आए। आत्मा तम गिरजा मति सहसरा प्राण शरीरम गृहम। आत्मा स्वयं भूत है, पवित्र है, शिव है। तो आठ मूर्तियों में से जो मां सती हैं, परांता भगवती हैं, वो दक्ष के घर में प्रकट हुई। विरोध है दक्ष का किसे? शिव से। लेकिन सती ने शिव का वरण किया। और ब्रह्मा ने हां में हां मिलाई सती के। ब्रह्मा ने कहा हां बेटे ठीक ही तो कर रहे हैं। ब्रह्मा कौन है? दादा सती के, दक्ष के पिता ब्रह्मा और दक्ष की बेटी सती। तो सती के दादा ब्रह्मा हो गए।
ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं और दक्ष कुशलता। होशियारी समझदारी चतुराई ये वैसे तो एक नियम होता है व्याकरण का। व्याकरण का नियम है ये कि कोई भी शब्द किसी भी शब्द का पूर्ण रूप से पर्यायवाची नहीं होता। नियम है व्याकरण का, इंग्लिश में हो, संस्कृत में हो, हिंदी में हो, व्याकरण तो सब भाषाओं में होती है। व्याकरण का सिद्धांत होता है पर्यायवाची शब्द होते हैं व्याकरण में और उनमें ये बताया जाता है कि समान अर्थी शब्द हैं, इनके अर्थ बराबर हो, एक ही अर्थ। लेकिन सिद्धांत है ये ऊंची बात है, उस पढ़ाई से अगली क्लास में जब जाते हैं ना तो वहां पे सिखाई जाती है ये बात, छोटी क्लास में नहीं सिखाई जाती। बड़ी ऊंची क्लास में जाओगे तो उसमें ये सिखाया जाएगा कि अंतर होता है जल में भी और पानी में और नीर में, सब चीजों में भी अंतर बताएंगे आपको। वहां पे जल बोलना है, वहां पे पानी बोलना है, वहां पे नीर बोलना है, स्त्री के लिए ऐसे ही नाम में अंतर होता है, यहाँ पे नारी बोलना है, यहाँ पे स्त्री बोलना है, यहाँ पे देवी बोलना है, यहाँ पे तरुणी बोलना है, भामिनी बोलना है, भारिया बोलना है, जो भी। लेकिन पूर्ण रूप से बराबर नहीं होता शब्द, उसके अंतर अर्थ बदल जाते हैं जरा जरा उसके हिसाब से। तो कार्यों में कुशलता भी एक योग होता है, योगः कर्मसु कौशलम्, कुशल होना चाहिए व्यक्ति। दक्ष परम वैष्णव है, भगवान शिव के विष्णु के भक्त हैं, कौन दक्ष विष्णु का भक्त है और बनाने वाला मैं उनकी ड्यूटी लगी है, क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा की ड्यूटी है सृष्टि रचना करने की। दक्ष भी सहायता करते हैं साथ में अपने पिता की, तो दक्ष कहते हैं हम तो सृष्टि को बनाने वाले हैं, प्रजा का पालन करने वाले हैं, ये प्रजापति हैं, प्रजा के स्वामी हैं। बनाने वालों को चलाने वाले की जरूरत पड़ती है, कोई भी मंदिर बना दिया आप साफ सफाई का व्यवस्था भी करनी है तो जरूरत पड़ती है उनकी भी, संभालो तुम, हम तो सामान ले आ रहे के यहाँ पे डालते रहेंगे, वो नहीं ले आते अब स्नान कराने वाले, अब ऐसे ले आएंगे जिनको स्नान नहीं कराना पड़े। तो मतलब बात भी बनाने वालों को भी चलाने वालों की जरूरत पड़ती है, संभालो तो चलाने वाले विष्णु जी हैं, बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि को ब्रह्मा जी रचना करते हैं, विष्णु जी को कहते हैं संभालो पालन पोषण, विष्णु जी का काम है और उनको बिगाड़ने वाले अच्छे नहीं लगते। शंकर जी कौन है, संहार का देवता है, दक्ष कहने लगा इनकी जरूरत नहीं है। हाँ इतने मुश्किल से हम निर्माण करते हैं, बनाते हैं सृष्टि को और ये सब नाप तोल बराबर रखते हैं, इधर से घटते हैं, इधर से बढ़ाते हैं, इधर से घटा देते हैं, उतने ही धरती के ऊपर उतना ही रखते हैं बराबर हिसाब किताब। तो दक्ष को ये बात अच्छी नहीं लगती, शंकर जैसे बनते नहीं, इसलिए
असल बात उसको समझ में आई नहीं, असल बात समझ में ये नहीं आई उसको कि वृद्धि में ही क्षरण है, वृद्धि में छुपी रहती है घटना, वो घटने को देख नहीं रहे। मूर्ख लोग ऐसे ही होते हैं, संसारी लोग होते हैं ना, उम्र बढ़ती है तो ताड़ियां बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, जन्मदिन हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। और सच बात ये है, चाहे उसमें हम भी हैं, जब जन सुख पूरा भक्त होता है ना भगवान का, उसकी जब उम्र घटती है तो उसको लगन बढ़ती है, चिंता बढ़ती है कि अब तक तो भगवान मिले नहीं, और उम्र का तो एक साल और चला गया। अब संसारी आदमी कहता है उम्र बढ़ गई, और संत कहता है घट रही है, मूर्ख आदमी बढ़ कहां से रही है। तो दक्ष कहता है हम बढ़ा रहे हैं, और शंकर जी कह रहे हैं तुम ही तो सब घटा रहे हो, नहीं तो आत्मा तो अजर अमर है, ये तुम उसके आत्मा के शरीर का ऊपर, आत्मा के ऊपर कवर चढ़ा रहे हो ना, जो शरीर का ये कवर की उम्र तो फिर घटनी शुरू हो जाती है जिस दिन ये जन्म लेता है उसी दिन से। माता पिता खुश होते हैं हमारा बच्चा बड़ा हो रहा, और ये पता ही नहीं इसकी उम्र तो घटनी शुरू हो गई, घटनी शुरू हो गई इसी दिन से। आयु नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति स्वयं योगिनम। तो जब आदमी कहते हैं ना कि उम्र बढ़ रही है, हाँ लड़का बड़ा हो रहा है, और भोलेनाथ हंसते हैं, इनको संतों ने अभी बताया नहीं कि ये तालियां बजाना बंद करके जाप करना शुरू करो, हर साल एक माला बढ़ा दो, एक माला हर जन्मदिन पे तो जरूर बढ़ा दो। किसी भी बच्चे का जन्मदिन आए उसको कहो बेटे एक माला का जाप बढ़ाओ, इतने साल का हो गया तू, और जितने साल का हो गया उतनी माला तो जरूर करो। अब कोई सोचे ले मैं तो 70 साल हो गई, 70 कैसे करूं, तो ये करनी पड़ेगी। हाँ करनी पड़ेगी, ये धीरे धीरे बढ़ाने पड़ेंगे, चिंता नहीं, भागने से काम नहीं चलेगा। कोई सोचे चलो टाइम देखो 6:30 से ऊपर हो गया और अब निकलो, और ये नहीं तो हमारी बात शुरू हो गई, तो शुरू तो बात पारी, मास्टर जब बोलता है तो पारी सब की आती है बारी बारी से, कभी बहुओं की आ गई थी थोड़ी देर पहले तो अब बूढ़ों की भी आएगी। और ये बात मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बात सच्ची है, जाप तो बढ़ाना पड़ेगा, उम्र बढ़ गई बढ़ाना पड़ेगा। अब ये मैं नहीं जानता आप किस टाइम करोगे, मुझे नहीं पता आप कौन कौन से काम को छोड़ के करोगे, मुझे नहीं पता आप काम के साथ साथ में करोगे, दिन में करो, रात में करो, दोपहर में करो, चलते फिरते करो, बैठ के करो, सोते करो, पर जाप तो करना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता। और कोई पूछे कितनी माला करें, जितनी उम्र हो रही है उतनी करो, और हर साल एक फिर बढ़ाओ, सबके लिए यही है, ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, इससे कम में काम नहीं चलता। अपना मन तुमने समझाना है मत करो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ, अपना मन तुमने समझाना है, सीधे सीधे कह दो हमारे तो मन में बैठा ये बैठा, हाँ क्या जरूरत है करने की, ये बैठा राम, ये बैठा कृष्ण, मेरे तो साथ ही बैठा गुरुजी, गुरुजी मन में बैठा 24 घंटे बैठा, हाँ ये देख माला मुला तो आती नहीं, बाकी ये बैठा रखा मैंने तो बनवा।
भगवान ये सब टलने के बहाने हैं माला से। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ ये टलना है ना जिसको माला से, बचने के तो लाख बहाने होते हैं, करने का एक बहाना कि करनी है बस, और बचना है बचना नहीं मरना पड़ेगा, बच नहीं सकते बिना जाप करे। सच्ची बात है बच सकते नहीं, कर्जा तो उतारना से उतरेगा, और ये कर्जा तो अब किसी शरीर में उतरता है मनुष्य के, और नहीं तो 84 लाख जोनियां तैयार है। ऐसी ऐसी जोनियां हैं नाम भी सुन सकते नहीं, नाम भी नहीं सुन सकते, ऐसे ऐसे जोनी मिल जाएंगे, और उस जोनी में भी गल जाते हैं, सड़ जाते हैं जीव, वहां पे भी शरीर इतना इतने रोग लग जाते हैं, भयंकर रोग लग जाते हैं। चलो योनि तो मनुष्य के नहीं मिली, दूसरी मिल गई, कुत्ते मिलेगी, फिर रोग लग गए उसमें योनि में भी, फिर तड़प रहा है, पड़े पड़े कीड़े पड़ गए, कुत्ता बिल्ला गधा घोड़ा बना, फिर उसमें भी शरीर ठीक नहीं। और उससे बचने के लिए पहाड़ नहीं उठाना, बस राम राम करना। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ हाँ कोई ऐसा थोड़ी है कि हम क्या बूढ़े हो गए अब कैसे करें, जीव तो देखो चुप रहती नहीं, अब भी बोलती है, और ये तो नाम है बोलो ना, तो जीव घिसती ना पैसा लगता ना तो पैसा तो तब लगेगा जब कथा में आओगे, और हम बता देंगे ये करना ये करना, वो तो उसके लिए तो लगता है। अब भगवान को पाना है तो कोई पैसा नहीं लगता, और कथा में आने वालों के ऊपर भी कोई टिकट नहीं, जबरदस्ती नहीं, नहीं एक के साथ में भी जबरदस्ती नहीं, और कोई ये भी नहीं सोचना कि पैसा हम देंगे गुरु जी को तो ही गुरु जी खुश रहेंगे, बिल्कुल नहीं। आप 11-11 फोटो लगवा दो मैं खुश होने वाला नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ किसी के मन में गलत फहमी हो कि हम तो फोटो लगवा देंगे गुरु जी हो जाएंगे प्रसन्न, नहीं होते, हम तो प्रसन्न होंगे आप नाम जपोगे तो, आपका उद्धार होगा तो हम प्रसन्न, आपका उद्धार नहीं हुआ हम वही प्रसन्न नहीं, हमारे तो बच्चे फेल हो गए, मास्टर प्रसन्न कैसे होगा, बच्चे सारे फेल हो गए स्कूल के, बच्चे रिजल्ट अच्छा आ जाओ मास्टर खुश, मेरे को तो तनख्वाह सरकार देती है, सरकार कौन भगवान, मेरे को तो भगवान देता है, और जो मेरे को भगवान देता है बुद्धि ज्ञान वचन, वो मैं यूं का यूं आपको दे रहा हूं, एक भी शब्द मैं उसमें मिलावट नहीं करना कर रहा, मेरे को कोई जरूरत नहीं, ना तो मेरे को लोगों की भीड़ की जरूरत है, भक्तों की जरूरत है मुझे, भीड़ की नहीं, मुझे धन की जरूरत नहीं, मुझे आपके पवित्र मन की जरूरत है। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं सारी बात सही बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर कोई मेरी बात गलत लगे मेरी वापस कर देना, मत मानना, लेकिन अगर सही लगे कोई मेरी बात तो जरूर मान लेना, तभी आने का फायदा है। तो भगवान का जो भजन है जाप है वो तो बढ़ाना ही पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा करो, गिनने की भी जरूरत नहीं, गिन लेंगे भगवान। भैया कोई आदमी धन कमा रहा है और कमा कमा के बैग भर के और माँ बाप की जोड़ी में डाल जावे बैग,
और माँ बाप है कितने हैं भाई, मेरे को नहीं पता, गिन गिनते नहीं है, सारे है बस जो है। माँ बाप नाराज नहीं होते भाई, गिन तो खुद भी लेंगे, इसमें गिनने वाली कौन सी समस्या है। तो गिन तो भगवान, गिनना तो तब तक है जब तक आपको आदत नहीं है। जब आदत पड़ गई फिर तो सांस सांस में चल रहा है, अब गिनते रहो तुम, जपते रहे हम। जब तक सांस सांस में नहीं चला तब तक तो गिनना पड़े, क्यों? फिर वो भाग जाएगा एक माला करके, फिर उसको पकड़ा, बोले नहीं 16 करोड़ पूरी, एक नहीं 16 करोड़ पूरी अपने, तो 16 करने लग गया। फिर वो 16 से एक नहीं ऊपर करता, फिर गया अब 17 करोड़, फिर 17 करके भागने लगा, अब 20 करोड़। जब भागता है आदमी, चाहे 50 करके भी भागे तो बढ़ानी पड़ेगी, और जब भागना बंद कर देगा तो गिनने की जरूरत क्या है, फिर तो चल रहा है। अब तो टाइम जितना भी है सांस सांस में चल ही रहा है भैया, अब कितनी करते हो? अरे इतनी करते हैं कि और कुछ करते ही नहीं। अब तुम कितनी माला करते हो? हम तो इतनी माला करते हैं और कुछ नहीं करते, माला ही करते हैं बस। अब इसके अलावा बताओ क्या करके कब बढ़ाएंगे? जब 24 घंटे माला ही कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम जप रहे, बैठे बैठे नाम जप रहे, चलते फिरते नाम जप रहे, खाते और जप रहे हैं। ये नहीं है कि ये कह के काम नहीं चलेगा, ये बैठा, हाँ बैठा हमारे तो मन में, ये नहीं कहना। सच में दिखना चाहिए देश को, दुनिया को, घर को, अपने आप को दिखना चाहिए सबसे पहले तो, कि मैं करता हूँ। और एक भी सांस में भगवान को सुमरण के बिना नहीं जाने देता बेकार में। पहले जो चले गए चले गए, जो बीत गई सो बात गई, आगे की सुध ले, आगे एक भी सांस हम व्यर्थ में नहीं जाने देंगे। तो ऐसी कथा है, आगे कल को सुनाने का प्रयास करेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, शिव शंभो।